नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड शाइस्ता गुड्डू और साबिर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम और साबिर के अलावा 50,000 के इनामी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस को भनक थी कि ये तीनों देश छोड़कर भाग सकते हैं और इसीलिए ये लुकआउट नोटिस 1 साल के लिए जारी किया गया है। यूपी पुलिस एसटीएफ की टीम इन तीनों की तलाश में महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, राजस्थान समेत 8 राज्यों में अब तक छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन 81 दिन बीत जाने के बावजूद भी तीनों अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उमेश पाल की हत्या के मामले में शाइस्ता परवीन पर हत्या की साजिश रचने और गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर हत्या करने का आरोप लगा है। गुड्डू मुस्लिम और साबिर हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी में भी नजर आए थे। इनके विदेश भागने की आशंका के चलते दूसरे देशों की जांच एजेंसियों की मदद से भी इनकी तलाश का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट मिलने के बाद लुकआउट नोटिस जारी की गई है। इन तीनों के श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भागने की आशंका भी जताई जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ अब तक अतीक के बेटे असद समेत शूटर गुलाम अरबाज और उस्मान चौधरी का एनकाउंटर कर चुकी है, जबकि शाइस्ता, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर अभी तक फरार हैं। वहीं 5 लाख के इनामी शूटर अरमान ने बिहार के सासाराम के कोर्ट में समर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि 24 फरवरी की शाम को धूमनगंज के जयंतीपुर सुलेम सराय में उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों की गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उमेश पाल की पत्नी ने अतीक की बीवी शाइस्ता सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।